आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक। कर्नाटक के हुबली में SPG घेरा तोड़कर कार के करीब पहुंच गया युवक। पंजाब में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और पंजाब में ये यात्रा 19 जनवरी तक रहेगी। इसके बाद इस यात्रा की एंट्री होगी कश्मीर में। हालांकि पंजाब में मिला जुला साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मिल रहा है, लेकिन इसे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने वाला बताया, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए। चंद्रशेखर के इस बयान पर जब मीडिया ने बिहार के CM नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं है करके सवाल को टाल दिया। जोशीमठ को लेकर गृह मंत्रालय का एक्शन। जोशीमठ में हालात अब भी खराब बने हुए हैं। इस बीच पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जोशीमठ के हालात और भी खराब होने के आसार लग रहे हैं। वहीं इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई। विवादों में रही नूपुर शर्मा को हथियार रखने का लाइसेंस मिल गया है। बता दें कि नूपुर शर्मा को बार बार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उनके विवादित बयान के बाद से उन्हें मिल रही थी जान से मारने की धमकियां, जिसके चलते उन्हें हथियार का लाइसेंस मिला है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जहां बालटाल इलाके के पास हिमस्खलन हुआ है। कई लोगों के इस आपदा में चपेट में आने की खबर भी मिली है। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ की कोशिश का मामला सामने आया है। इसी एयरफोर्स स्टेशन पर रखे गए हैं राफेल विमान। वायुसेना कमांडोज ने मुस्तैदी बरतते हुए एक संदिग्ध को दबोच लिया, जिसे अब पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विज्ञापन पर आपको नोटिस। DIP ने आम आदमी पार्टी को करीब 163 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने का आरोप है। -4 डिग्री तक जाएगा तापमान। एक्सपर्ट बोले अभी तो ठंड का पीक आना बाकी है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में शनिवार से शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। वेदरमैन ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों के बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पंजाब में दिख रहा है लोहड़ी का उत्साह। लोग जमकर कर रहे हैं मूंगफली, रेवड़ी और गचक की खरीदारी। बाजारों में लौटी रौनक। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।